वरना आपको मौका ही नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों बात ये कि अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। वेलकम बैक टू द मरीन व्हेल्स दोस्तों, आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी एडमिशन ले लिया है और अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है या फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स चूज़ किया है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग चूज़ किया है और डीएनएस की बात करें तो डीएनएस में तो हमने पहले ही बोल रखा है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तभी आप इस फील्ड में आओ, वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये 100% प्रूवन है, बहुत ही डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बीएससी नॉटिकल साइंस है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, या तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। जहाँ तक हम आईएमयू कैंपसेस की बात करें तो उनकी भी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, बस कुछ प्रोसीजर बचा है फाइनल, उसके बाद में उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अब दोस्तों बात ऐसी, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे जो सीनियर्स थे तो हमारे जब कॉलेज में कोई भी शिपिंग कंपनी आती थी तो वहाँ पर एक सिंपल सा क्राइटेरिया रहता था। तो दोस्तों जो क्राइटेरिया था वो काफ़ी सिंपल सा क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया ये था जैसे कि मानते हैं बीटेक के लिए अगर कंपनी आ रही है तो बेसिकली थर्ड ईयर के एंड में कंपनी आती थी, और हम बीएससी की बात करें तो वहाँ पे सेकंड ईयर के एंड में शिपिंग कंपनीज आती थी। तो देखा ये जाता था कि तब तक क्या आप ऑल क्लियर हो, मतलब आप सभी सब्जेक्ट में आप पास तो हो ना, आपके परसेंटेज नहीं देखे जाते थे और पता चलता था कि हाँ ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये हर सब्जेक्ट में मतलब ये पास है और ये अब कोई भी शिपिंग कंपनी के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। एग्ज़ाम में पास हुआ तो फिर उसका इंटरव्यू तो होना ही है। तो दोस्तों ये बात मैं कर रहा हूँ बहुत पहले की, जब मैं अपने कॉलेज में था, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैंने ऐसा सीनियर के बैच में मैंने होता वो देखा अपने कॉलेज में कि यार हर किसी को मौका मिल रहा है, जो ऑल क्लियर है चाहे उसके 61% हो या फिर 90% हो, तो दोनों को मौका मिल रहा है। और फिर वो तो आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप उसे मौके का कैसे फ़ायदा उठाते हो और कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हो, कैसे अपना इंटरव्यू क्लियर करते हो और फाइनली उस कंपनी में आप प्लेसमेंट लेते हो। लेकिन दोस्तों पिछले अगर हम 3 से 4 साल की बात करें तो पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब दोस्तों ये पैटर्न हो चुका है, फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है आप इंडिया के उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे 2 या 3 कंपनीज भी आती हैं। तो दोस्तों अब ऐसी बात हो चुकी है कि आपके अगर बहुत अच्छे परसेंटेज है तो ही आपको कंपनी के रिटर्न एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। कंपनी सीधा कॉलेज को ये बोलता है कि हमको जिसके 75% है अभी तक के सेमेस्टर में उसको मौका देंगे बैठने के लिए। तो जो बाकी जिनके 65% है 60% है वो तो पीछे रह गए, उनको मौका ही नहीं मिलेगा चाहे वो भली ऑल क्लियर हो। तो फिर उस कंडीशन में वो बच्चे कॉलेज को कोसते रहेंगे कि कॉलेज ने हमको चांस नहीं दिया। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से सुनो। अब आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तभी से आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन करके चलो, ताकि क्योंकि जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आप बीएससी नॉटिकल की बात करो तो वहाँ पे नेविगेशनल सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ताकि कोई भी शिपिंग कंपनीज आती है, मान लेते हैं हम अगर आप बीटेक में हो तो 6th सेमेस्टर में कोई कंपनी आ रही है, आप बीएससी में हो तो 4th या 5th सेमेस्टर में कोई कंपनी आ रही है, तब तक का आपका एग्रीगेट लिया जाएगा, तब तक के जितने भी सेमेस्टर आपने पास किए हैं उनका एग्रीगेट लिया जाएगा और कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके 75% से या 80% से ऊपर है आपके, पता चलता हाँ है तो आपको रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, वरना आपको मौका ही नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों बात ये कि अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। तो यही कंप्लीट एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी क्यों शिपिंग कंपनीज ला रही है सबको पता है, क्योंकि जॉब्स नहीं है और हर किसी को टॉप मोस्ट स्टूडेंट चाहिए। अब टॉप मोस्ट स्टूडेंट तो ऐसे ही निकलेंगे कि जिसके ग्रेजुएशन में अच्छे खासे वो परसेंटेज मेंटेन करता हुआ आ रहा है वो बंदा, तो जाहिर सी बात उसके पास नॉलेज है। अब जैसे कि मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ, 200 की स्ट्रेंथ थी तो ऑल क्लियर लगभग 160-170 के आसपास बच्चे होते थे, तो सबको मौका मिलता था उस समय,
लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि जो टॉप 40 स्टूडेंट है या टॉप 30 स्टूडेंट है उनको ही मौका मिलता है, तो बाकी बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे कि हमारे पास नॉलेज है, हम भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? नहीं मिलेगा मौका। तो आपके 4 साल, अगर आप बीटेक की बात करो, बीएससी की बात करो, 3 साल, तो वो समय ऐसे ही चला जाएगा। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट बन के रहोगे तो भूल जाना, आपको कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा। सीरियसली, ये एवरेज का टाइम नहीं रहा। एक टाइम था जब एवरेज स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता था। अब टाइम है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्कोर करना स्टार्ट करो और कोशिश करो हमेशा अपने कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आने की पूरी अपनी कोशिश करो। अगर आप टॉपर्स में रहे तभी आपको चांस मिलेगा। मैं भी चांस की बात कर रहा हूँ। पहले एक टाइम था जब टॉपर्स होते थे वो सीधे रिक्रूट किए जाते थे कि अरे भाई ये तो टॉपर है, इसको तो बिल्कुल सबसे पहले इसका इंटरव्यू लो, और उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब तो ये हो रहा है कि टॉपर्स को सिर्फ रिटर्न एग्जाम देने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली ये जो कंडीशन है, मार्केट कंडीशन, आप सबको पता है टफ है। तो जाहिर सी बात है, हमको बैरियर्स तो रखने ही पड़ेंगे, तभी पता चल पाएगा कि कितने स्टूडेंट सही में नॉलेज रखते और कितने स्टूडेंट नहीं रखते। तो यही दोस्तों बातें हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो मैं आपको कंप्लीट यही रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। और एक अच्छा स्कोर आप करो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, मान लेते हैं कि आपके 5th सेमेस्टर में कोई शिपिंग कंपनी आती है, तो आपके 4th सेमेस्टर तक के एग्रीगेट लिए जाएंगे। और पता चलता है कि 4th सेमेस्टर के एग्रीगेट आपके हैं समथिंग 81% और 79%, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा कंपनी में बैठने का। और एक आपको क्या चाहिए? मौका चाहिए। कॉलेज कौन सा आपको प्लेसमेंट ला के देगा? कॉलेज तो आपको मौका देगा। मौका आपको मिल गया, अब आप गए, आपसे अगर रिटर्न एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ तो आप कॉलेज को कोसने से क्या मतलब है? आपको सिर्फ कॉलेज और कॉलेज मौका देगा। और मौका आपको कैसे मिलेगा? मौका भी आपको छीनना है। मौका कैसे छीनना है? मौका आपको अच्छे परसेंटेज अपने हर सेमेस्टर में स्कोर करके मौका आपको छीनना है, तभी आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। चाहे आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की बात करें या फिर आप इंडिया के उस इंस्टीट्यूट से बात करें जहाँ पर 2 से 3 शिपिंग कंपनीज भी रिक्रूटमेंट के लिए आती है, सब जगह सिनेरियो ऐसा ही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, किसी को नहीं पता कि कब कॉलेजेस एक्चुअल में खुलेगी फर्स्ट ईयर्स के लिए, तो तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और कम्प्लीटली एक बार तो फोकस रहो कि जब तक प्लेसमेंट नहीं मिलता है कॉलेज से तब तक हमारा मेन मोटो है पढ़ाई करना। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट मिल जाए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन फिर ठीक है, फिर आप इंजॉय भी कर सकते हो और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो आप कॉलेज पीरियड में करते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर जब तक प्लेसमेंट नहीं होता तब तक बिल्कुल एकदम पागल होकर पढ़ाई करो, नहीं, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस हमेशा देनी होगी, तभी आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। बाकी मार्केट कंडीशंस आपको पता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स, और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के साथ मैं आता रहूँगा, आपका दोस्त। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करो, तो वहाँ पर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।